आपको बता दें कि टाटा मोटर्स के नॉर्थ साइड के एक डीलर ने अनुसार कमर्शियल और पैसेंजर गाड़ियां बनाने वाली देश की बड़ी कंपनी टाटा मोटर्स ने अपनी इंडिका और इंडिगो का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। जी हां, बता दें कि ईयर 2018 में कंपनी इंडिका की 2583 और इंडिगो की 1756 ही कार बेच पाई, जबकि अप्रैल 2018 में कंपनी ने इन दोनों कारों का ना तो प्रोडक्शन किया और ना ही इनकी सेल कर पाई। टाटा मोटर्स के नॉर्थ साइड के एक डीलर ने यही बताया है कि दोनों कारों के उत्पादन को रोक दिया गया है, जब बची हुई कुछ कारों की सप्लाई हो रही है। फिर भले ही कंपनी ने मार्केट में इन दोनों कारों को बंद कर दिया हो, लेकिन जिन कस्टमर्स के पास ये दोनों कारें हैं उन्हें इनके स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिलेंगे और सर्विस सपोर्ट भी मिलेगा। इस पर ऑटो एक्सपर्ट ने यही बोला है कि इंडिका और इंडिको टाटा की पहली कारें थी और कंपनी ने काफ़ी बार इन्हें अपग्रेड भी किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली क्योंकि डिज़ाइन, इंजन और प्लेटफॉर्म पुराने हो चुके हैं और यही एक नए सिरे से अपग्रेड किया भी जाए तो लागत बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। उतने में एक नया मॉडल तैयार हो जाता है क्योंकि अब मार्केट में नए और मॉडर्न डिज़ाइन वाली कारें आने लगी हैं, तो मार्केट में इनकी डिमांड कम होने लगी है, जिसका असर इनकी सेल पर भी हो रहा है। नेक्स्ट 9 टेक की रिपोर्ट।